एक साइकोलॉजिस्ट जो सीरियल किलर वगैरह से डील करती है, वो एक स्ट्रेंजर से मिली। उससे मिलने के बाद उसके साथ डिस्टर्बिंग चीजें होना स्टार्ट हो गया। अब इस सब के पीछे कौन है, या आज के हमारी मूवी नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर इन 1995 की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी में हमें पता चलेगा। ये मूवी अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आती है, एंडिंग भी ट्विस्टेड है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर सारा, जो एक साइकोलॉजिस्ट है, एक सीरियल किलर के साथ बात कर रही थी। सारा ने कहा, तुम्हें एक टीनेजर ने मर्डर करते हुए देखा था। किलर कहता है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है, वो पैसों के लिए कुछ भी बोल देगी। सब मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सारा यहाँ किलर की मेंटल स्टेट एसेस करने के लिए आई हुई थी। उसे लगता है कि किलर को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है, ये कन्फर्म करने के लिए यहाँ वो आई हुई थी। किलर कहता है, मुझे कुछ आवाजें सुनाई देती है जो मुझे कुछ करने के लिए कहती है, कभी कभी टीवी से, कभी कभी वॉल्स में से। सारा का टाइम खत्म हो गया और यहाँ से वो चली जाती है। किलर इस पर चिढ़ गया था। इसके बाद सारा अपने फ्रेंड क्लिफ के साथ, जो एक आर्टिस्ट है, उसका एग्जीबिशन देखने के लिए आई हुई थी। ये एग्जीबिशन बॉन्डेज या उस टाइप के कुछ दर्दनाक फोटोज का है। सारा कहती है कि कुछ लोग होते हैं जो सचमुच में ये सब चीजें करते हैं। सारा को यह अच्छा नहीं लग रहा था तो उसका फ्रेंड क्लिफ उसे ड्रिंक ऑफर करता है। इन दोनों में बहुत ही अच्छी सी फ्रेंडशिप है। बातें करते करते ये दोनों घर आ गए। सारा का फ्रेंड क्लिफ उसका नेबर भी है। वो सारा को स्मेल करता है, कहता है, आज तुम्हारी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। सारा कहती है, तुम मुझे फ्रेंड की तरह ही लगते हो। क्लिफ ने कहा, जब तुम यहाँ मूव हुई थी तब हम दोनों इंटीमेट हुए थे, तब तो मैं तुम्हें फ्रेंड की तरह नहीं लगा था। सारा ने डोर बंद कर इस बात को टाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में किलर का लॉयर सारा के पास आया हुआ था। सारा ने अब तक किलर के बारे में जजमेंट दिया नहीं है, तो इस वजह से उसका लॉयर बहुत ही गुस्सा था। सारा अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए कहती है, ये शायद उसे भूलने की बीमारी है, या उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। जब तक मैं श्योर नहीं, तब तक मैं कोई भी जजमेंट नहीं देने वाली। इस किलर ने लड़कियों को मारने से पहले उनका रेप भी किया था। किलर के लॉयर को लगता है कि सारा एक वुमन है, तो ये बात उसके लिए शायद पर्सनल हो सकती है। इसी वजह से वो किलर को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाना चाहती है। वो गुस्से में ही यहाँ से चला गया। रात में सारा अपने लिए ड्रिंक बाय करने के लिए आई हुई थी। उसने एक बॉटल ली, तभी स्ट्रेंजर ने उससे कहा कि सही चॉइस नहीं है, इसके अलावा तुम कुछ और ट्राई करो। इन दोनों को ड्रिंक्स के बारे में बहुत ही ज्यादा नॉलेज था। इस स्ट्रेंजर ने उसे ड्रिंक के लिए बुलाया। सारा कहती है, मैं तुम्हें जानती भी नहीं। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है, उसका नाम था टोनी। सारा उसे इग्नोर कर देती है। थोड़ी देर में उसे इसी शॉप में मिलता है। टोनी कहता है, पहचाना, मेरा नाम टोनी, हम मेन सेक्शन में मिले थे। टोनी ने कहा कि मैं यूजुअली ऐसा कुछ भी करता नहीं, पर इस टाउन में मैं नया हूँ और मुझे फ्रेंड्स की जरूरत है। सारा कहती है, तो किसी और को फ्रेंड बना लो। टोनी ने कहा कि मैं एडमिट करता हूँ, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हो। अगर तुम्हें लगता है मुझे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए या मैं कोई लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ, तो वैसा मुझे बता दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। पर सारा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सारा पूछती है, तुम्हारे पास की वाइन किस ईयर की है? कहता है कि 61 की। सारा पूछती है, क्या तुम्हें लगता है क्या एक वाइन से तुम मुझे इम्प्रेस कर सकते हो? टोनी ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम ऐसी औरत हो जिसे जीतना पड़ता है। सारा को बात अच्छी लगी। वो बाहर आकर टैक्सी लेती है तो टोनी अपनी बाइक लेकर उसके पास आया। कहता है, अब हाँ भी कह दो। सारा के पास टाइम नहीं था, पर उसने अपना नंबर उसे दे दिया, कहा कि मुझे कॉल करना। सारा जब घर पर आई तो उसके फादर उसे मिलने के लिए आए हुए थे। उन्हें अंधेरे में देखकर वो डर गई थी। सारा के अपने फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, उन्हें फादर भी नहीं बुलाती है। फादर चाहते थे कि आज रात वो यही रुके, पर सारा उन्हें मना कर देती है। फादर को एक बड़ी बीमारी है, तो उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहूंगा, हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, जैसे कि क्रिसमस। सारा कहती है कि हम क्रिसमस में मिल सकते हैं, पर प्लीज पहले मुझे कॉल कीजिएगा। उसने फादर को मोटेल के लिए पैसे दे दिए और वहां से निकाल दिया। रात में सारा का नेबर उसके पास आया। वो एक लड़की के साथ था तो उसे वोडका चाहिए था। सारा कहती कि मेरे पास नहीं है। नेबर कहता है, मैंने तो तुम्हारी फ्रिज में देखा था। वो खुद गया और लेकर आया। सारा इस बात से सरप्राइज थी।
ये बहुत ही अच्छी डिटेल है जिसे आप याद रखिए, मूवी के लास्ट में सब कुछ क्लियर होगा। एग्जाम ऑनलाइन है तो उसमें भी आ सकता है। नेबर घर में ही था तभी सारा को टोनी का कॉल आया। उसे अपना पता देकर सारा को वहां बुलाया। सारा का नेबर इसके बारे में उसे पूछ रहा था। सारा फिर टोनी से मिलने के लिए उसकी पुरानी सी बिल्डिंग में पहुंची। टोनी ड्रिंक लेकर रेडी ही था। सारा ने कहा, तुम मेरे लिए बहुत ही बुरे हो। सब कुछ सही चल रहा था और नेक्स्ट सेकंड में मैं एक स्ट्रेंजर के साथ ड्रिंक कर रही हूँ। इसके बाद इन दोनों ने बहुत सारी बातें की। सारा अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में टोनी को बताती है। कहती है कि वो अचानक से गायब हो गया। उसने कोई भी लेटर नहीं छोड़ा, कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं किया। वो अभी भी उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। सारा के नेबर का मानना था कि अब एक साल हो चुका है, उसे मूव ऑन करना चाहिए। अब यही करने की कोशिश वो टोनी के साथ कर रही है। सारा पूछती है, तुम करते क्या हो? वो कहता है कि मैं सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ। सारा ने कहा, तुम्हारे साथ होते वक्त मुझे बहुत ही सेफ लगता है। आगे सारा अपने बचपन के बारे में बताती है। उसने कहा कि जब वो छोटी थी तभी उसकी मदर की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसके फादर का सेल्स का जॉब था तो हमेशा घूमते रहते थे। वो अपने एंड के पास ही बड़ी हुई है। ये सब बातें करके सारा को एम्बेरस लगा। टोनी कहता है, तुम्हें कंट्रोल में ना होना, इन सब चीजों के बारे में बात करना, ये सब सूट करता है। इसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे को किस किया और एक दूसरे की बाहों में ही सो गए। सुबह होने पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सारा फिर से किलर के पास आई हुई थी। वो उसे पूछती है कि लास्ट सेशन में तुम आवाजों के बारे में बात कर रहे थे। इस बार किलर ने कहा कि मुझे कोई भी आवाजें सुनाई नहीं देती। वो कहता है, तुम मुझे फ्रेम करना चाहते हो, तुम अपनी साइड चूज कर लो, एक तो तुम मेरे साइड पर हो या मेरे खिलाफ। यहाँ पर वो बहुत ही गुस्सा हो गया था, इनडायरेक्टली उसे धमकी दे रहा था। आज सारा जब घर पर पहुंचे तो उसके घर पर मुरझाए हुए फूलों का गिफ्ट भेजा हुआ था। इस बात से वो डिस्टर्ब हो गई। रात में सारा और टोनी फिर से मिले। टोनी सारा के लिए शूटिंग का गेम खेलकर उसे जिराफ गिफ्ट देता है। सारा पूछती है, तुम्हारी इतनी शूटिंग अच्छी कैसी है? वो कहता है कि मैं पहले पुलिस हुआ करता था। सारा को ये बात बहुत ही सरप्राइजिंग लगी कि उसने बात उससे छुपाई थी। वो सारा को कहता है, तुम भी शूटिंग ट्राई करो। वो मना कर रही थी पर फिर भी टोनी ने उसे फोर्स किया। शूटिंग करते वक्त अपने बचपन की याद सारा को आई। अचानक से वो बेहोश हो जाती है। टोनी उसे अपने घर पर लेकर गया था। सुबह होने पर उसके लिए उसने टीवी बनाई। सारा को टोनी के साथ होना अब अचानक से गलत लगता है। उसने कहा कि अब मैं जा रही हूँ। टोनी ने पहचान लिया कि उसे इनडायरेक्टली ब्रेकअप कर रही है। उस पर चिढ़ गया कि मैं करती क्या हो, हमेशा मेरे साथ पुश पुल खेलती रहती हो। इन दोनों की फाइट होगी और सारा यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में सारा ने अपना माइंड चेंज कर लिया। वो फिर से टोनी के पास वापस आई। ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। घर आने पर सारा को एक नोट मिला। न्यूज़पेपर की एक पेज का ये नंबर था। ये सारा देखती है तो इसमें सारा की डेथ के बारे में लिखा हुआ था। इन सब बातों से डिस्टर्ब हो गए। उसे लगा कि किलर ही ये सब करवा रहा है। जाकर वो किलर के लॉयर से बात करती है। वो कहती है, तुम मिलकर मेरी हरासमेंट क्यों कर रहे हो? लॉयर कहता है, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अगर किलर ने ऐसा किया होता तो उसने मुझे बता दिया होता। सारा कहती है, उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसने शायद खुद किया है पर उसे याद भी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट डे सारा के घर पर ही टोनी आया हुआ था। ये दोनों मिलकर कुकिंग करते हैं। कुकिंग करते करते पैन में आग भी लग गई थी। दोनों ने मिलकर ये बुझाई। बहुत सारा तमाशा खड़ा हुआ पर ये दोनों इस बात को एंजॉय करते हैं। टोनी को सारा के साथ होना यह बहुत अच्छा लगता है। अचानक से सारा को उसके फादर का कॉल आ जाता है। ये क्रिसमस के बारे में उससे पूछ रहे थे। सारा कहती है कि मैं आपसे बाद में बात करूंगी। टोनी ने नोटिस किया कि अपने फादर से बात करते हुए डिस्टर्ब हो गई थी। उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो क्रिसमस में मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। सारा नहीं चाहती कि उसके फादर से मिले। टोनी को अजीब लगता है। टोनी ने घर में ही सारा के एक्स बॉयफ्रेंड की फोटो नोटिस की। उसको गायब हुए एक साल हो चुका है पर फिर भी उसके घर में फोटो क्यों है, इस बात को लेकर टोनी अपसेट हो गया। सारा कहती है, इस फोटो को रखना मैं भूल गई थी। इन छोटी छोटी बातों को लेकर तुम उसे फाइट मत करो। टोनी भी इस बात को इग्नोर कर देता है। अगले दिन जब सारा फिर से काम से वापस आए तो उसकी कैट को मारकर उसे गिफ्ट कर दिया गया था। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा डर गए और पुलिस के पास जाती है।
पुलिस ऑफिसर के पास बहुत सारे केसेस थे तो उसे हेल्प नहीं करता, कहता है तुम एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर लो, ऐसे केसेस में वो तुम्हें ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। सारा उस पर भी गुस्सा हो गई। आज उसे टोनी के सहारे की बहुत जरूरत थी, उसे वो कॉल नहीं कर पाए क्योंकि वो आउट ऑफ टाउन था। मॉर्निंग में टोनी सारा के घर पर आया, पर सारा कहती है अब बात करने के लिए अच्छी टाइमिंग नहीं है, उसे वहां से कटाना चाहती थी। टोनी मानता नहीं और घर में आ जाता है। घर में ऑलरेडी सारा का नेबर था, वो गुस्सा होकर पूछता है कि ये क्या यहाँ कर रहा है। सारा ने कल रात के बारे में उसे सब कुछ बताया, कहती है ये एज अ फ्रेंड मेरे पास आया हुआ था। टोनी गुस्सा होकर नेबर को वहां से निकाल देता है। सारा टोनी पर अब भी ट्रस्ट नहीं करती, उसे लगता है कि क्या टोनी ने उसे भेजी, उसे फूलों के बारे में भी वही लग रहा था। टोनी ने बात पहचान ली, उसे कन्फर्म करता है। सारा उसके बारे में ऐसा सोचती है तो उसे बहुत ही बुरा लगा, कहता है शायद तुम मुझ पर ट्रस्ट कर पाती। हर्ट होकर वहां से वो चला गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सारा ने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर कर लिया है, वो इसकी हेल्प से टोनी पर नजर रखेगी। जब नेक्स्ट टाइम वो टोनी के साथ डेट पर आई हुई थी, इस बार वो प्रॉपर शूटिंग के लिए चलते हैं। टोनी कहता है तुम तो गन से बहुत ही डरा करती थी। सारा ने कहा कि अब नहीं डरूंगी। सारा चाहती तो है कि टोनी पर ट्रस्ट कर पाए, तो उसे पूछती है मैं कैसे सीख सकती हूँ। टोनी कहता है कि मैं बिना किसी डर के नीचे गिरूंगा, मैंने अगर सचमुच में ऐसा किया इसका मतलब है मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, टिकटॉकर्स की तरह। सारा को भी ये करने के लिए कहता है। सारा भी उस पर पूरा ट्रस्ट कर नीचे गिर गई और टोनी ने उसे बचा लिया टिकटॉकर्स की तरह। आज इन्होंने अपना दिन बहुत ही अच्छे से स्पेंड किया था, खुश थे तो रात में इंटीमेट हो जाते हैं। अब टोनी फिर से अपने कुछ काम के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहा था तो सारा का डिटेक्टिव उस पर नजर रखता है। उसने कहा कि मैं किसी अलग टाउन जा रहा हूँ, पर वो एल्बनी गया, सारा का टाउन। ये सब बातें डिटेक्टिव उसे बता देता है। वहां जाने पर टोनी एक औरत और उसकी बच्ची से मिला। डिटेक्टिव सारा से कहता है शायद टोनी मैरिड है। इस बात से सारा बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सारा के घर में कोई इलीगली घुस गया था, ये उसका नेबर नोटिस करता है और उसके पीछे वो भागा। जो भी आदमी था उसने नेबर को बहुत ही ज्यादा इंजोर कर दिया। सारा को अभी टोनी के बारे में पता चला है तो उसके घर पर वो पहुंचती है। घर पर पहुंचने के बाद उसकी सारी चीजें उसने चेक की, जिसमें उस पर एक फाइल उसे मिली। इस फाइल में सारा के बारे में सब कुछ रिकॉर्ड्स थे, वो किस हाई स्कूल में गई थी, उसकी मदर के साथ क्या हुआ था, ये सब कुछ यहाँ दिया गया है। सारा को फिर से फ्लैशबैक में याद आता है उसकी मदर की डेथ सीढ़ियों से नीचे गिरकर हुई थी, वो इस बात से डिस्टर्ब हो गए। थोड़ी देर में टोनी यहाँ पहुंच गया। सारा कहती है मुझे अचानक से काम याद आया, वहां से वो चली जाती है। सारा जब घर पर आए तो उसके वॉल्स पर लिखा था तुम मर जाओ, इस बात से वो और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। जरा रिलैक्स होने के लिए वो बात ले रही थी। यहाँ हम देखते हैं उसके हीटर के स्क्रूज निकल गए थे, ये कभी भी नीचे गिर सकता था। सारा बाथटब से निकली उसके बाद ही नीचे गिर गया, अगर पहले गिरता तो सारा की डेथ हो जाती। इसके बाद सारा ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने उसके नेबर के साथ भी जो हुआ यह सब उसे बता दिया। पुलिस कहती कि एक सीरियस क्राइम है, कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था। सारा कहती है कि आपको जाकर टोनी से बात करनी चाहिए। वो जब घर पर आई तो टोनी ऑलरेडी उसके घर पर था। वो भागकर पुलिस को कॉल करना चाहती थी पर टोनी उसे रोक लेता है। टोनी ने कहा मुझे तुमसे बात करनी है, वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती तो उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है। सारा कहती है प्लीज मुझे मारो मत, वो डर गई थी। वो अपने पर्स के पास गए, टोनी को लगा कि वो गन निकाल रही है तो टोनी ने अपनी गन भी निकाल ली। सारा और भी ज्यादा डर गई, वो उससे पूछती है न्यूयॉर्क में तुम्हारे साथ कौन थी। टोनी कहता है कि वो मेरी कजन है बेनी, ये सारा के एक्स बॉयफ्रेंड का नाम था। एक्चुअली सारा के एक्स बॉयफ्रेंड ने टोनी को हायर किया था पता करने के लिए कि उसके ब्रदर को हुआ क्या। टोनी कहता है मुझे सच सच बताओ उसके साथ हुआ क्या था। सारा कहती है हम दोनों के बीच जो भी था यह सब झूठ था। टोनी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सारा कुछ भी बात पर बिलीव नहीं करती, उसे लगता है कि उसके साथ जो भी हो रहा था इसके पीछे टोनी ही था। टोनी कहता है चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उसने सारा पे नजर रखने के लिए हर जगह पर कैमरे लगाए हुए थे। इस कैमरे में दिखाई देता है ये सारा के घर पर जो आया हुआ था उसके साथ जो भी हो रहा था
ये वो खुद कर रही थी। एक्चुअली उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। इसका मतलब है अचानक से उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। इस चेंज के टाइम में वो जो भी करती है उसे खुद को पता नहीं होता। ये बात जानकर सारा बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। तभी उसके फादर उसे विजिट करने के लिए आ गए। उनके शूज की आवाज़ को सुनकर उसे अपना पास्ट याद आया। एक्चुअली सारा के फादर ने ही उसकी मदर को मार डाला था। फिर उन्होंने सारा को गन दी थी, कहा कि फादर को हेल्प करो। सारा को ट्रिगर पुल करने में हेल्प किए। पुलिस को लगा था ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। ये सब याद करके सारा को चक्कर आ गई। उठने पर अपनी मदर के बारे में बात कर रही थी। उसके फादर कहते हैं वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। सारा कहती कि अब मुझे सब कुछ याद है, तुमने ही मेरी मदर का मर्डर किया था। हर रात मेरे कमरे में आकर तुम मुझे अब्यूज़ किया करते थे, इसी वजह से मेरी आंट मुझे उसके साथ लेकर गई। वो चिढ़ गई थी तो उसने अपनी गन निकाली। टोनी उसे शांत रहने के लिए कहता है। उसने कहा मैं अपनी गन ग्राउंड पर रख रहा हूँ, तुम भी ऐसा ही करो। टोनी ने गन रखी और सारा उसे शूट कर देती है। उसकी पर्सनैलिटी अब चेंज हो गई थी। उसने कहा तुम्हें जानना था ना कि बेनी के साथ क्या हुआ है, मैंने उसे मार डाला था। वो भी तुम्हारी तरह ही मुझसे झूठ कहता था। अपने फादर की वजह से हर आदमी को हेट करती है। इसके बाद उसने फादर को भी मार डाला। जल्दी से सारा घर वो क्लीन कर देती है। अपने खिलाफ कोई भी सबूत नहीं रखती। अपने आप से कहती है तुम्हें इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। वह घर के बाहर गए और उसके बाद उसकी नॉर्मल की पर्सनैलिटी फिर से उसके पास वापस आई। उसे लगता है कि टोनी और उसके फादर ने एक दूसरे को मार डाला। यही बात वो पुलिस से भी कहती है। पुलिस को यह सब सच लगा और उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सारा मल्टीपल पर्सनैलिटी पर एक लेक्चर दे रही थी। वो कहती कि जब भी बचपन में बहुत बड़ा ट्रामा हो गया हो, इस बात को छोटे बच्चे हैंडल नहीं कर पाते, इसे कोप करने के लिए खुद ही अलग अलग पर्सनैलिटी बना लेते हैं। यही सारा ने भी अपने साथ किया था। उसे इसके बारे में पता भी नहीं है। मूवी के लास्ट में अब वो अपने नेबर के साथ रिलेशनशिप में है। इसी तरीके से ये मूवी हमें गेस करता हुआ छोड़कर चली जाती है। ये मूवी एक बहुत ही डेंजरस कैरेक्टर की ग्लिम्स थी। मूवी में हमने देखा था कि सारा के फ्रिज में अल्कोहल थी, उसे पता भी नहीं था। इसका रीजन यही है कि उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। इसी पॉइंट के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। आप अपने आप का ख्याल रखिए।